दिल आ गया भाई इस पे। ये अम्मी भाई जाट है, ये कम्युनिटी कार है, ये हमारी कम्युनिटी के लिए पर्सनल कार है, प्राइवेट कार है। लुकिंग जबरदस्त भाई, सूट कर रही है भाई तेरी पर्सनालिटी को। What's up people, welcome to my channel the super biker dad. I hope you guys are doing absolutely fine. I have Preeti and Rudra here. Rudra say hi. Hi. Pura din candy khate rehte ho, bad boy. It's not healthy. So anyway guys, aapko dikhata hu main kahan pe aaya hu. मैं खड़ा हूँ महिंद्रा के शोरूम के बाहर ग्रेटर नोएडा में अपने घर के पास। हमारा पिछले साल से 2022 से मूड था एक नई कार लेने का, प्रीति का पता नहीं बट मेरा डेफिनेटली मूड था। एंड जब से महिंद्रा थार लॉन्च हुई थी द न्यू जनरेशन आई थिंक 2020 में, तब से 4x4 महिंद्रा थार लेने का ऐसा अंदर से वो था ना, मतलब चुल थी कि या लेनी है लेनी है। 4x4 जो एकदम हार्ड कोर ऑफ रोडिंग है वो मुझे प्रैक्टिकल नहीं लगती मेरी यू नो यूज के हिसाब से, बिकॉज रोज ऑफिस जाना है एंड बहुत ज्यादा ऑफ रोडिंग नहीं करना है। तो वन गुड थिंग महिंद्रा हैज डन रिसेंटली इन द न्यू ईयर इज कि दे हैव लॉन्च्ड द महिंद्रा थार 2023 इन अ RWD वर्जन, रियर व्हील ड्राइव, जिसमें 4x4 नहीं है। तो ये गाड़ी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिकल है मेरे यूज के हिसाब से। एंड अब जब ये नया बम यू नो डाल दिया मार्केट में महिंद्रा ने, तो हम आ गए हैं शोरूम में देखने के लिए कि भाई क्या स्पेशल है इस गाड़ी के बारे में। ऑन द पेपर मुझे ये अच्छी लग रही है और मेरे मतलब की चीज लग रही है, हार्ड कोर फैमिली कार नहीं है बट बेसिकली एक वो चीज है कि जो पीछे वाले है ना तो उनको ऐसे साइड से पूरा करके पीछे जाना है, तो पीछे बैठने वाले के लिए मेहनत ज्यादा है, वो एक बार देखना है फील करके कि एग्जैक्टली कैसे। मेरा मन तो है यार ले ले जैसा भी हो जैसी भी लगे, क्योंकि इस गाड़ी का टोरा है। कौन सी कार ले रहे हैं हम? रेड कार। ब्लैक बोला था, ब्लैक नहीं अच्छी है वो, पापा ब्लैक नहीं आपका। दिस इज द ओल्ड 4x4 महिंद्रा थार एंड जो नई वाली है वो लुक्स में तो एकदम सेम ही है। एंड ये कलर है सिल्वर ग्रे टाइप का कुछ कलर है ये, एंड लुक वाइज एकदम सेम है, बस इंजन का फर्क है। इसके अंदर बैठ के देखें, चलो। दिस इज द 4x4 पेट्रोल एम स्टैलियन इंजन। ये अपना कॉकपिट इस गाड़ी का, जो यू नो व्यू है, जो आपकी ड्राइविंग सीट से जो व्यू मिलता है आपको बहुत ही अमेजिंग है, बहुत क्लियर व्यू है। एंड रोड पे जाएंगे तो ऑब्वियसली और अलग बात रहेगी। रुद्रा हाउ इज द कार? अच्छा है ले ले। दिक्कत ये है कि यहाँ पीछे जाने के लिए इस सीट को आगे करना पड़ता है, तो मैडम को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड बाय द वे न्यू कार में भी ये इंफोटेनमेंट सेम है, ये सारा जो यहाँ का यू नो सिस्टम है सब कुछ काफी हद तक सेम है। जो फर्क आता है मेन वो है इस लीवर का, जो कि 4x4 का लीवर है एंड ये हमारा नॉर्मल गियर है। तो यहाँ पे जो ये स्पेस खाली होता है नई वाली में, वहाँ पे एक जगह बन जाती है सामान रखने के लिए। ये हैंड रेस्ट आफ्टर मार्केट है फॉर श्योर, क्योंकि स्टॉक गाड़ी में ये हैंड रेस्ट नहीं आता है। पीछे की सीट जो कि बहुत ही हाईलाइट में रहती है हमेशा, अच्छा है ले लें चाहिए। Do you like this car? I like my car. My car? It's not your car. So, मैं कह रहा था पीछे जगह जो है ना ये एक्चुअली थोड़े छोटे लोगों के लिए या बच्चों के लिए सही है। अच्छा आई थिंक इधर आओ, ये आई थिंक टॉप मॉडल में आ रहा है हैंड रेस्ट। नहीं नहीं ये सब आफ्टर मार्केट है, बहुत सारी एक्सेसरीज लगवानी पड़ती हैं इस गाड़ी में, स्टॉक गाड़ी में आपको बेसिक चीजें ही मिलेंगी। सबसे बड़ा इशू इस गाड़ी का है बूट स्पेस, जो कि बहुत कम है। ज़्यादा सामान हो तो आपको ये सीट्स आगे बेंड करके ही जगह मिलती है, अदरवाइज फैमिली के लिए थोड़ा इश्यू हो सकता है अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। भाई कसम से गाड़ी का टोरा तो खतरनाक है। Eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood, and my tongue keeps bleeding from the words I spit. हांजी हांजी, जाटो वाली गाड़ी में आपका स्वागत है। ये बहुत कम है इसका ना आगे। ये ग्लव बॉक्स इसका वाकई में बहुत ही छोटा है। ये हर थार में एक सीरियल नंबर के साथ एक यू नो बैज लगा होता है। मेड इन इंडिया विद प्राइड। यस। आई वांट टू सी कि मतलब पीछे कैसे बैठ सकते हैं। देखो मैं एक बार देखता हूं। हां देखो चलो। अभी आपको दिखाते हैं। ये सीट आगे करके ये आपको ये आगे थोड़ा बेंड करना पड़ेगा। यहां ऊपर एक लीवर है से ये सीट आगे हो जाएगी। इतना डिफिकल्ट नहीं है। सो
पतला आदमी आराम से आ सकता है, थोड़ा सा हैवी आदमी हो या कोई हो तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। लेग स्पेस है पीछे, इस तरफ बैठना पीछे। वैसे कंफर्टेबल है पीछे भी, वीडियो में कुछ वीडियोस में बोल रहे हैं लोग नहीं है बट ठीक है। ओके, देखने में तो कंफर्टेबल लग रहा है। लेग स्पेस भी है आई थिंक, काफी है। देखो 5'5" है तो आई थिंक, तो किसी छोटे हाइट वाले बंदे के लिए और बच्चों के लिए पीछे ठीक है। जस्टिन के सामने कुछ ड्रेस वेस कुछ इस टाइप से कुछ पहना है तो थोड़ा आपको अंदर बाहर आने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो आर्मरेस्ट लगे पीछे ये भी आफ्टर मार्केट है, वो स्टॉक गाड़ी में नहीं आते हैं। हाँ जी, थम्स अप है। इनके स्पीकर्स का ये जो पोजीशनिंग है ये बहुत अच्छा है, एंड यहाँ पे ये अपना लाइट है। हार्ड टॉप गाड़ी है एंड नई वाली 4x2 तो हार्ड टॉप में ही है। रुद्र इज अबाउट टू लॉन्च द न्यू महिंद्रा थार। आपको न्यू थार मिलेगी गिफ्ट में, ठीक है? No. Got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the words I spit so sharp. So aaj Rudra Baba ne new Thar ka launch kar diya, RWD rear wheel drive. Chalo, and I'm loving this color, one of my favorite colors. Hanji, how's red? That is good. That is good. So overall looks में कहीं भी कोई भी difference नहीं मिलेगा आपको, except कुछ badging होती है यहाँ पे जो 4x4 में होती है, एक और badging होती है 4x4 की यहाँ पे, वो नहीं मिलेगी आपको RWD में। LX version में alloy wheels 18 इंच same है, अंदर interiors भी 90% सेम है। रुद्र अच्छे से पूरा एक्सप्लोर कर रहा है थार को। रुद्र, how's the car? You like it? अंदर से भी आपको दिखा देता हूँ। ऑफ कोर्स यहाँ पे वो लिवर नहीं है जो 4x4 का होता है, यहाँ पे एक स्पेस बन गया है सामान रखने के लिए, अदरवाइज एंटरटेनमेंट इज सेम। रूफ इज एब्सोल्युटली सेम, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। व्यू इनफैक्ट कार का लेंथ और कार का विड्थ एकदम सेम है। हमारा देसी छोरा एकदम देसी तरीके से गाड़ी के मजे ले रहा है। हाँ भाई छोरे, मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड प्रीति और रुद्र हैं। प्रीति लुकिंग जबरदस्त भाई, सूट कर रही है भाई तेरी पर्सनालिटी को, लग रही है एकदम जाटनी एकदम। ये मेरे आवारा बीवी बच्चे भाई साहब, प्रेजेंस है इस गाड़ी की और अलग ही टोरा है। आई कीप सेइंग दिस वर्ड टोरा बिकॉज इस गाड़ी में टोरा भर भर के है। पीछों के बैठो आराम से, नहीं शूज नहीं निकालने, अरे सोना तो ही ना इस गाड़ी में, अरे नहीं भगवान। अभी हम एक्चुअली एक बार बैठ के एकदम फैमिली वाली फील ले रहे हैं बिकॉज यूजुअली यही हमारा सिटिंग अरेंजमेंट होने वाला है। मेरे को ये बहुत जरूरी है आर्मरेस्ट, हां इसमें आर्म, यहां पे आर्मरेस्ट बहुत जरूरी है लॉन्ग राइड्स पे बिकॉज आपको वो सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आपका ये लेफ्ट आर्म थोड़ा डेड हो जाएगा पीछे भी दोनों तरफ। एंड पीछे वाली सीट पे जो टायर्स का जो बल्जिंग पार्ट है यू नो उस पे भी आर्म रेस्ट लगवाने जरूरी है मेरे हिसाब से। यहाँ पे लेग स्पेस बहुत अच्छा है, आगे वाला आगे लेग स्पेस काफी अच्छा है, पूरा इसे आगे एकदम। इसका एंटरटेनमेंट काफी हद तक बेसिक है बट ठीक है, गुड टू गो। यहाँ पे अपना महिंद्रा का ट्रेडमार्क, एंड मुझे ज्यादा ऊपर उठ उठ के मेहनत नहीं करनी पड़ रही यू नो व्यू लेने के लिए। मम्मा चलो गो गो गो। रुद्र अभी अभी चलेंगे, अभी चलेंगे। डू यू लाइक दिस कार? आई लाइक माय कार। अच्छा अभी माय कार हो गई है। मेरे घर में इस पे झगड़े होने वाले हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, प्रीति को भी बहुत पसंद है, एंड अब ये कह रहा है कि इट्स माय कार तो झगड़े होने वाले हैं। और महिंद्रा वाली गाड़ियों से ना ये गाड़ी एकदम अलग है, बहुत रिफाइंड है, बहुत अलग वाइब है, फील है। सो दिल आ गया भाई इस पे कसम से। हम भी तो रॉय है, देसी लोग हैं, हम भी देसी हैं, हम भी भाई जाट है, ठीक है जी। अपनी कम्युनिटी ये गाड़ी, ये कम्युनिटी कार है, ये हमारी कम्युनिटी के लिए पर्सनल कार है, प्राइवेट कार है बेसिकली।
एक बार देख लेते हैं कि रुद्र बाबा बाहर कैसे निकलेंगे। आई थिंक कंफर्टेबल है, इतनी मेहनत नहीं है। ये अपने शूज भी लेके जाओ। बूट स्पेस भी आपको दिखा दिया जाए। ये है बेसिक इसका बूट स्पेस। ऐसे ये खुल जाता है इसका शीशा। एक फुल बैग आपका आ सकता है इसमें, एंड अगर ज़्यादा सामान है तो एक सीट आपको बेंड करनी पड़ेगी, या और भी ज़्यादा सामान है तो दोनों सीट्स आपको बेंड करनी पड़ेगी। बंदे नहीं बैठ पाएंगे, सामान आ जाएगा। हैवी ड्यूटी शीशा है ये। ये हैं ऑल टेरेन टायर्स 18 इंच अलॉयज के साथ। यही टायर्स जो हमारी 4x4 में है, सेम टायर्स हैं। एंड गाड़ी में एक थर्ड साउंड भी है जो कि बड़ा प्यारा लगता है। जस्ट फॉर कंपैरिजन, ये एक ब्लैक थार भी खड़ी है यहाँ पे, एंड इसका एक अलग टोरा है। रेड और ब्लैक में फ़र्क ये है कि ब्लैक तो ऑफकोर्स एवरग्रीन कलर है, बट रेड की एक अलग प्रेजेंस है, थोड़ी सी हाईलाइटेड रहती है गाड़ी। अब जा रहे हैं महिंद्रा के शोरूम से वापस, एंड आज सैटरडे है इसलिए मैं बुकिंग नहीं करवा पाया, एंड कुछ डाउट्स भी थे, तो थोड़ा सा उस पर होमवर्क करते हैं एंड फिर घर जाके डिसाइड करते हैं करना क्या है। और सब ठीक रहा तो कल संडे हम बुक कर देंगे अपनी नई थार। हाँ जी, हाँ जी। तो हम घर वापस आ गए हैं, एंड घर आते ही अब मैं लग गया हूँ अपने होमवर्क पे, बिकॉज भैया ये जो ऑन रोड प्राइस है ना, इसका अरेंजमेंट करना पड़ता है ना भैया, पैसा चाहिए थार ख़रीदने के लिए। जो मुझे बेसिकली समझ आई है वो है ये थार एलेक्स डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन, जो कि ऑन रोड एज़ पर दिस शोरूम मुझे पड़ेगी 13 लाख्स एंड 6,000 की। तो ये उनका कोटेशन है, एंड बुकिंग अमाउंट है 21,000 रुपये, जो कि होपफुली मैं कल जाके दे के आऊँगा। और वैसे बाय द वे, आपकी नॉलेज के लिए, जो बेस मॉडल है AX, दैट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 11.81 ऑन रोड। एंड जो पेट्रोल ऑटोमेटिक है, टॉप एंड पेट्रोल का एक ही इसमें वर्जन है वैसे, RWD में पेट्रोल ऑटोमेटिक, वो आपको पड़ेगी 15.95 लाख्स की। तो ये ऑन रोड प्राइस है UP का। तो यस गाइज, अब बस कल होपफुली मैं गाड़ी बुक करा दूंगा, एंड उसके बाद रहेगा इंतज़ार अपनी डिलीवरी का। बिकॉज जो ये शोरूम में जो सेल्स वाला बंदा था, ही टोल्ड मी कि 5 दिन हो गए हैं इस गाड़ी को लॉन्च हुए, और 5 दिन में हर दिन इनके पास ऑन एवरेज 100 बुकिंग्स आ रही हैं हर दिन। तो मतलब 500 बुकिंग्स ऑलरेडी आ चुकी हैं इस शोरूम के पास। एंड ऑफकोर्स दिल्ली NCR में बहुत सारे शोरूम्स हैं, तो आप समझ सकते हो कितनी बुकिंग्स हो चुकी हैं। तो बहुत फाइट होने वाला है, एंड होपफुली कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके हम जल्दी भी निकाल पाएंगे गाड़ी को। बहुत ज़्यादा अगर वेट करना पड़ा तो मेरा पर्पस सॉल्व नहीं होगा, मुझे जल्दी चाहिए गाड़ी। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड आज सैटरडे था इसलिए प्रीति ने मना कर दिया कि बुकिंग मत दो आज, थोड़ा सा और सोच भी लेते हैं इस गाड़ी के बारे में, थोड़ा और स्टडी कर लेते हैं, तो वही करेंगे अब। एंड होपफुली कल संडे जाके हम बुक कर देंगे। यस, थार, कांट वेट फॉर इट, आई एम रियली एक्साइटेड। एंड दिल से यार एक सपना था, यू नो, पिछले 2-3 साल से सपना था कि जब से ये नई वाली थार आई है कि यार थार उठानी है, थार उठानी है। एंड अब होपफुली वो दिन जल्दी आने वाला है, थार उठा के घर लेके आएंगे। सो गाइज, हमने करा ली है अपनी थार बुक कॉन्सेप्ट महिंद्रा ग्रेटर नोएडा से, एंड ये है मेरी रिसीट। बट अभी कुछ डिलीवरी की कंफर्मेशन नहीं है डीलरशिप से, बट फॉर द टाइम बीइंग जो पहला स्टेप था अपनी बुकिंग, वो हो चुकी है, एंड बुकिंग अमाउंट था हमारा 21,000 रुपये। सो यस, लुकिंग फॉरवर्ड टू ब्रिंग द बेबी होम। वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड कुछ क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपना जो भी दिल में आया लिख देना, एंड मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और कुछ पूछना हो और कुछ बात करनी हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे DM कर सकते हैं, द सुपर बाइकर डैड के नाम से मेरा पेज है। सो यस, थैंक यू सो मच, सी यू गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।